शुभ दीपावली। मोह साजन तू रे काहे छले, सब हारू जो मन लगन लगे। तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी, अब बंधनी नहीं मैं तेरी संगनी। पिया रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो जीत गई तो पिया मोरे। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो देवी भाई सर का एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे हॉस्पिटल में लाई हूँ। क्या? खुशा का? मैं यहाँ अकेली हूँ, तू जल्दी आ जा। रुक! बैठे जा बे। मासा, मेरे काकुसा का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ना, तू ना जा सके, घर में दिवाली की पूजा है, घना काम है, काम में चूक जा। मासा, मासा उनको बहुत चोट लगी है मासा, मुझे जाने दीजिए। थारे को मना किया ना। ऐसा मत कहिए मासा, काकुसा की तबीयत बहुत खराब है, उनको बहुत चोट आई है, मुझे जाने दीजिए मासा। कितनी चटपटा रही है छोरी। मैं जानू इकलौते का कुसा है, घर मरमरा गए और तू मिल ना पाई तो जिंदगी भर दुखी रहेगी, और थारे काकुसा की आत्मा को भी शांति ना मिलेगी। ऐसा मत कहिए अम्मा, तू जाना चाहे है ना, तो जा। थैंक यू मासा। रख। एक बात याद रखना छोरी, अगर एक बार तूने इस हवेली की दहलीज पार की तो हवेली के दरवाजे तारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। फिर भी जाना चाहे है तो जा। मासा, मैं सिर्फ उनको एक बार देखना चाहती हूँ मासा, मुझे भी जाने दीजिए, मैं लौट आऊंगी मासा। एक बार पहले तूने मारा हुक्म तोड़ा था। और तू हवेली के भीतर आई थी। आज फिर से मारा हुक्म तोड़ रही है तू और हवेली के बाहर जा रही है। एक बार चौखट लांग के देख, फिर मैं दिखाऊंगी कि थारे लिए ये हवेली के दरवाजे कैसे खुले हैं। जा। मेरा इस घर की बहू बनना मेरी मर्जी के खिलाफ था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी किया, सब अपनी मर्जी से किया। इस रिश्ते के हर फर्ज को मैंने सच्चे दिल से निभाया है मासा। घर में किसी घर की बहू हूँ तो किसी घर की बेटी भी हूँ, और मेरा हर फर्ज चाहे बेटी का हो या बहू का, मैं मरते दम तक निभाऊंगी। तो आज मैं अपने काकोसा को देखने जरूर जाऊंगी। देखो तू कैसे भीतर आवे। हम सब काकोसा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और इंटरनल ब्लीडिंग आपने चेक किया तो बिना ब्लड क्लॉट्स और बीपी इनका भी ना बहुत जल्दी हाई हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने चेक किया ना? आप शांत हो जाइए, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इन्हें अभी नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि अच्छे से सो सके। देवी माँ शुक्र है आपका। रिश्ते कितने अजीब हुए। इब छोरी के काकुसा का एक्सीडेंट हुआ तो फिर छोरी ने तो जाना ही था। पर सोच, यही बात जब हमारे आधी ने पता चलेगी कि वो छोरी माजीसा की मर्जी के खिलाफ उनका अपमान करके यो घर से भागी है, तो फिर वो छोरी और उसके परिवार की दुर्गति तो निश्चित है। और इसके पीछे दिमाग किसको? माजी साहब, मैं तो मार गई। माजी साने नागन भी मर गई और आवाज भी ना हुई। वो ऐसा ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। हम दिवाली का छोटा मोटा सामान लेकर घर जा रहे थे, पता नहीं कहां से अचानक पीछे से एक टेम्पो आया और कृषु काकी सा वो दोनों कहाँ गए? भाभी सा कृषु को लेकर मायके गई है। मैं उन्हें फोन करना चाहती थी पर समझ में नहीं आया करूं या नहीं करूं। अच्छा हुआ आपने नहीं किया। तुझे माजीसा ने यहाँ आने दिया? उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ आई तो मैं वहां वापस नहीं लौट सकती। बड़ी होशियार बने थी अपने आपने वो। हर को किसी की नजर ना लगे इब देखना, तो बस आगे ही बढ़ती जाएगी। हाँ मासा, इब मैं बस आगे ही बढ़ती जाऊंगी और वो छोरी मुंह के बढ़ गिरेगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटो, तू वहां पे वापस मत जा। मेरा बच्चा, तूने बहुत सहन किया है, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू हमारे साथ घर चल। जिस दिन मैंने अपनी डोली खुद उठाई थी ना मुआसा, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे रजावत परिवार और चौहान परिवार की ये दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटाना है। और ये तभी मुमकिन है जब मैं उनके दिलों के अंदर झांक सकूं और उनके दिलों में जगह बना सकूं। आज भले ही वो लोग मुझे घर आने से रोक दे, मेरे इरादों को नहीं रोक सकते मुआसा। बचपन में ही माँ बाबा गुजर गए थे। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी मेरे से दूर हो। हिम्मत हो आप लोग मेरी, नहीं टूटने देंगे ना वो हिम्मत। मुआसा, लक्ष्मी पूजा के लिए मुहूर्त निकलता जा रहा है, मैं घर जा रही हूँ। आप ख्याल रखना अपना और इनका। चलती बेटा, एक मिनट। भाईसा ने ये चुन्नी देवी माँ पे चढ़ाई थी और तुझे देने के लिए कहा था। ये अपने पास रखना, ठीक है? वासा, उस घर में दिवाली की पूजा मैं ये चुनरी ओढ़ कर करूंगी। ऐसा लगेगा जैसे आप लोग मेरे साथ हो और आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ। बिल्कुल रो मत, संभल कर जा, ख्याल रखना। तारे को भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। अरे हुकुम साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली। तू क्या कह रहा है? मैंने कुछ समझ ना आ रहा। अरे वो जो शेयर्स आपने देवी अधिराज रजावत के नाम से लिए थे ना, उस कंपनी के शेयर्स तो आसमान छू रहे हैं। जो क्या बोल रहा है तू? तो कही थी कि बाजार मंदा चल रहा है। बाजार तो मंदा चल रहा है, पर सरकार की नई घोषणा ने उस कंपनी की तकदीर ही पलट दी। मेरी बात मानिए हुकुम साहब, तो ये शेयर्स हम बेच देते हैं तिगने दाम पर। शुभ दीपावली। हुकुम साहब, बेच दूं? ना, अभी मत बेच, मैं थारे से कहूंगा। ठीक है हुकुम साहब। उर्मी, दरवाजा बंद कर। छोरी को कई बार बताया कि घर में लक्ष्मी पूजा है, काम है, न जाए, पर नहीं, एक बात ना सुनी मारी। कह रहे हैं कि मेरा काकू सा है, जब जी करेगा चली जाऊंगी। हमारी मर्जी के खिलाफ वो चली गई अपनी काकुसा को मिलने। लाड़े सर तू तो जाने है हमारे हुक्म के बिना है इस हवेली में एक पत्ता बिना ही ले। और वो छोरी गई थी दुश्मनों के घर हमारे हुक्म को टाल के। यही सजा है, पिटने दे दरवाजा। तू चल, पूजा का टाइम हो गया है, चल। अंदर आने दीजिए माता, मुझे पूजा में शामिल होने दीजिए माता। माता ऐसा मत कीजिए। माँ जी सा, जब घर में लक्ष्मी पूजा हुए है ना तो घर के सब दरवाजे खुले रखे जिससे लक्ष्मी भीतर आ सके। और माँ जी सा, घर की बहू तो घर की लक्ष्मी और इज्जत हुए है ना, तो माँ जी सा मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, देवरानी सा ने अंदर बुला लो। छोरी के बिना तेरे दिल ना लगे है के? एक काम कर, तेरी हमदर्दी की पोटली लेके तू भी बाहर चली जा। दोनों साथ में मिलके दरवाजा पिटना। जाना है बाहर, चुपचाप पूजा कर। मैंने अपना वादा पूरा किया मासा, मुझे अंदर आने दीजिए मासा। प्लीज मासा। बेटा, तुम्हारे जीवन में घर की महिलाओं का बहुत अहम स्थान है। स्त्री शक्ति लाभ भाग में है तुम्हारे। वैसा कहते हैं लोग कि आपकी पत्नी जब आपके जीवन में आती है तो अपना भाग्य साथ लेकर आती है। क्या पता तेरा ही भाग्य बदल दे। अरे वो जो शेयर्स आपने देवी अधिराज रजावत के नाम से लिए थे ना, उस कंपनी के शेयर्स तो अचानक आसमान छू रहे हैं। खोल दीजिए मासा प्लीज।